नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सॉल्वेंट टेक, जहां हम बात करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट से जुड़े हुए हर समस्या के बारे में। बहुत लोगों के रिकमेंडेशन, बहुत लोगों के प्रश्न और बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो चुके हैं दोस्तों। और ये जो आवाज़ आ रही है ये पंखे की है और मैं पंखा बंद नहीं कर सकता क्योंकि बहुत गर्मी है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप सभी को। तो बात करने वाले हैं, आज बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है जो टॉप पर इस समय पर, वो है इकोनोमाइजर के बारे में कि इकोनोमाइजर क्या है और कैसे काम करता है, इसके बारे में हमें सर समझाइए। बहुत ज़्यादा जैसा कि आप मैं दिखाऊंगा आप सबको, आज इकोनोमाइजर के बारे में बताऊंगा और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आज के बाद आपको कभी भी इकोनोमाइजर के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इकोनोमाइजर है क्या, है ना, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इन सारी बातों को आप जान जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो में बने और पूरा वीडियो एक बार जरूर देखें, क्योंकि पूरा वीडियो जब आप नहीं देखते हैं तो फिर वो जो चीज़ ओरिजिनली आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है और आप फिर बोलते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं इसमें क्लियर नहीं हो पाया। तो सर क्लियर तभी हो पाएंगे ना जब आप उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, तभी तो क्लियर हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोई प्रश्न अगर हमारा पूछा जाए, आज का प्रश्न है हमारा इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर ठीक है, इकोनोमाइजर क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी बातें आ जाएंगी ठीक है। कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये सारी बातें आज आपको समझ में आएंगी ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है वो क्या है, आखिर इकोनोमाइजर प्लांट में क्यों लगा है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, इकोनोमाइजर के जब आप नाम सुन रहे हैं इससे पहले आपको इकोनोमाइजर से जुड़ा हुआ एक और नाम याद आता होगा, क्या इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते थे, हैं अर्थशास्त्र, है ना। तो ये जो है ना मटेरियल, अर्थशास्त्र क्या होता था, अर्थशास्त्री क्या काम करते थे। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र क्या होता था, जिसे जो अर्थशास्त्र होता था वो क्या है, अर्थशास्त्र लोग क्या करते, कम खर्च में और ज्यादा फायदे जो निकाले वो एक अच्छा इकोनॉमिक अर्थशास्त्री माना जाता है ना। तो सबसे पहली बात यही है, जो खर्च को सीमित करे, जो खर्च को सीमित करे और बर्बादी से बचाए, जो बर्बादी को कम करे, वो अर्थशास्त्री अच्छा होता है। अच्छा इकोनोमाइजर से क्यों मैं इसको मिला रहा हूँ, क्योंकि इकोनोमाइजर का भी काम कुछ ऐसा ही है, वो खर्च को कम करता है और मतलब जो हमारा बर्बादी है ना उसको थोड़ा बचाता है। पूछो कैसे, इसके जब कार्य के प्रोसेस को आप समझेंगे ना अच्छे तरीके से तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन ये हो गई एक सीधी बात ग्रामीण भाषा में, ओरिजिनली जो हम बात करते हैं इकोनोमाइजर का, जो इकोनोमाइजर ये लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इकोनोमाइजर इसका मतलब होता है गर्म करने वाला। क्या मतलब होता है इकोनोमाइजर का मतलब, अगर कोई पूछे कि क्या मतलब होता है तो इकोनोमाइजर का मतलब क्या होता है, गरम करने वाला। अब आप प्रोसेस में देखते ही होंगे कि क्या कर रहा है। अच्छा प्री हीटिंग, अगर कोई आपके प्लांट में प्री हीट दे रहा है तो वो कौन सा है, इकोनोमाइजर। कौन सा है, इकोनोमाइजर। प्री हीट मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम ये जहां पर आइटम लगा रहता है इसकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है, ऐसा लंबा सा ट्यूब होता है इस तरीके से, ऐसा बंद होता है, यहाँ नीचे ढक्कन हो गया, यहाँ ऊपर से बंद, यहाँ से ऊपर से ढक्कन, यहाँ से इसका आउटलेट ठीक, यहाँ इसके अंदर जो हो इसके अंदर क्या दे देते हैं, ट्यूब,
यहाँ क्या देते हैं ट्यूब, इस तरीके से ट्यूब होते हैं, इन ट्यूब के अंदर यहां से मान लो हमने फीड किया, मिसेला को प्रीहीट करता है, जो मिसेला कंसर्न हम विश्लेषण में चलाने वाले हैं उसको क्या करता है प्रीहीट देता है। तो प्रीहीट देकर के कैसे हमको फायदा करता है, देखिए इसमें दो चीजें देखिए मायने रखती है, एक तो इसका जो ट्यूब के अलावा वाला एरिया है सेल सारे जिसे कहते हैं, यहां पर क्या अटैच रहता है, यहां पर हमारा अटैच रहता है डक्टिंग, जो डीटी का वेपर है वो जुड़ा रहता है यहां पर, जैसे मान लो यहां से आया यहां से आउट हो गया, मान लो ये यहां से अगर वो इन हो रहा है तो फिर यहां से आउट हो रहा है, नीचे से इन हो रहा है ऊपर से आउट हो रहा है, तो जो इसका सेल साइज है जो इसका ट्यूब के अलावा जो एरिया है वहां पर क्या है, वहां पर है आपकी वेपर जो हमारी डीटी से आई है गर्म, जिसका टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री समथिंग, ठीक है, तो वो 80 डिग्री की आ रही है, जब मिसेला आप इसमें पंप करके भर रहे हैं मिसेला तो वो कितने डिग्री का है, आपका मिसेला टैंक का टेम्परेचर कितना होता है लगभग जो हम एक्सट्रैक्टर पे लेते हैं 45-50 डिग्री, वही हमारा मिसेला का थोड़ा बहुत और उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता होगा, तो लगभग 48 डिग्री या 50 डिग्री का हमारा मटेरियल आता है, कितना डिग्री का आता है 48 डिग्री का आता है, यहाँ पर हमारा अंदर का सेल का डिग्री कितना है लगभग 80 डिग्री के लगभग आता है, जब 48 डिग्री और 80 डिग्री से अब हमें दोनों को बेनिफिट कैसे मिल रहा है, मतलब ये मैंने बताया था ना खर्च को कम करता है, अगर हम इसको ठंड अगर वेपर को हम ठंडा करने के लिए कंडेंसर में डायरेक्ट ले तो एक कंडेंसर और लगाना पड़ेगा, तो ये एक काम तो ये कर रहा है, ये कंडेंसर वाला काम कर रहा है, इसको ठंडा कर रहा है वेपर को, यहाँ ठंडे होने के बाद में फिर वो कंडेंसर में जाएगी, तो एक काम तो ये कर रहा है कि ठंडा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 48 डिग्री का लगभग आ रहा है 45 डिग्री का लगभग आ रहा है, उधर 80 डिग्री का आया, तो जब उस पर क्रॉस वो हो जाएगा तो जो हमारा ये अंदर का वेपर वाला एरिया है जो मतलब वेपर हमारी डीटी से आ रही थी तो उसका टेम्परेचर लगभग कितना हो जाएगा, मान लो 80 डिग्री की आ रही है क्रॉस करेंगे तो ये लगभग हो जाएगी हमारी 50 to 60 डिग्री की, इतना फर्क इसमें पड़ जाएगा, क्योंकि ये सेल में नीचे से इन करेगी फिर ऊपर ऊपर जाएगी ऊपर से आउट होगी, उसके बाद वो कंडेंसर में जाएगी ठंडा होने के लिए, तो क्या होगा कंडेंसर को हमारे आराम रहेगा, मतलब उसको ठंडा आधा तो काफ़ी तो कुछ 40% तो उसने ठंडा कर ही दिया ना उसको, अब बाकी कंडेंसर कर लेगा, अगर डायरेक्ट वो आता तो कंडेंसर का लोड बढ़ता आपको कंडेंसर बड़ा लगाना पड़ता और खर्चे आपके बढ़ जाते, तो एक तो ये बचत हो गई आपकी, दूसरी एक और बचत अगर आपकी बात, अब मिसेला आपका यहाँ से इन हो रहा है वहां से ऊपर से आउट हो रहा है, ये जो ट्यूब है आपके जो ट्यूब है जिनसे मिसेला इन ट्यूब के अंदर क्या होता है मिसेला चलता है इन ट्यूब के अंदर से भर करके यहां से आउट हो जाता है, बीच में जो हमारी गैस भरी हुई है वेपर भरी हुई है उसके संपर्क में आने पर ट्यूब क्या करते हैं हमारे ये क्या करते हैं टेम्परेचर को इधर से ऑब्जर्व करके अंदर जो चल रहा है उसमें समाहित कर देते हैं, तो जो हमारा मिसेला कंसर्न 48 डिग्री का था लगभग ये भी उसी मतलब 50 to 60 डिग्री में मिसेला का टेम्परेचर भी हो जाएगा, मिसेला का टेम्परेचर कितना हो जाएगा जब वो ह्यूमिडिफायर को क्रॉस करेगा 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर उसमें हो जाएगा, तो अब इसको प्रीहीट कर दिया उसने प्रीहीट कर दिया ना उसको, अब आगे जो विश्लेषण चलेगा अब हीटर उसको गर्म करेंगे तो देखिए अगर 45 डिग्री का टेम्परेचर हीटर गर्म करे तो उसको ज़्यादा मेहनत पड़ेगी कि 60 डिग्री को गर्म करेगा उसको ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि 45 डिग्री का अगर वो गर्म करे तो उसको ज़्यादा स्टीम भी लगेगा और ज़्यादा उसकी एरिया भी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि उसको हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना, तो अब ये दोनों तरफ से हमें हेल्प कर रहा है, एक तो हमारी वेपर को ठंडा भी कर रहा है, अगर एक तरह से ये कहा जाए कि ये हीट एक्सचेंजर की तरीके काम कर रहा है तो वो भी कोई गलत नहीं है क्योंकि एक्सचेंज तो कर ही रहा है इधर से उधर उधर से इधर दोनों को बेनिफिट दे रहा है, तो ये हमारा है इकोनोमाइजर ये गर्म करने वाला है, लेकिन ये हमारा बहुत ज़्यादा यूजफुल एक आइटम है प्लांट का, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद, देखिए दो तरफ से बेनिफिट दे रहा है, एक तो वेपर को भी ठंडा कर रहा है और ये मिसेला को भी प्रीहीट कर रहा है टेम्परेचर दे रहा है उसको डिस्टिलेशन के लिए रेट मतलब अच्छा डिस्टिलेशन जब हम इकोनोमाइजर में हमारे टेम्परेचर अच्छा मिलने लगता है तो
तो जाहिर बहुत सारे प्लांटों में आपने देखा होगा कि तब तक हम फ्लो रेट उतना नहीं चला पाते हैं, फ्लोमीटर उतना नहीं चला पाते जब तक हमारा डीटी में माल नहीं पहुंच जाता। जब तक ये सीधी भाषा में या ये कहा जाए कि जब तक हमारा डीटी से वेपर नहीं आने लगता है तब तक हम ज़्यादा फ्लोमीटर नहीं चला पाते हैं, प्लांट में टेम्परेचर की प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन जैसे हमारा टेम्परेचर 10 मिलने लगा 55 से 60 डिग्री का, हमारा इक्विनोवाइजर का टेम्परेचर हो गया तो क्या होता है, मिसेला प्री हीट हो जाता है और हमारा डिस्टिलेशन चलने में इजी वो थोड़ा सा हो जाता है, हीटरों को छम दम मिलने लगती है। तो किस तरीके से काम करता है ये समझ में आया, इक्विनोवाइजर मतलब क्या होता है, गर्म करने वाला, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे मेन चीज होती है कि हिंदी में इंग्लिश हम लोगों को आता कुछ भी नहीं है, हम जानते कुछ भी नहीं है, लेकिन बात इंग्लिश में करते हैं, बस सुनते आ रहे हैं प्लांट में इक्विनोवाइजर इक्विनोवाइजर इक्विनोवाइजर, लेकिन अगर कोई पूछ ले इक्विनोवाइजर का मतलब होता क्या है तो हमें नहीं पता, हम जानते ही नहीं इक्विनोवाइजर मतलब होता क्या है। इक्विनोवाइजर मतलब होता है गर्म करने वाला, ठीक है। तो अब कैसे काम करता है, कैसे प्लांट को बेनिफिट करता है, ये तो आप समझ गए होंगे, आप आप सबको जानने चाहिए। और ये हमें प्लांट में दो तरीकों से फायदा देता है, और जो इसके अंदर ट्यूब होते हैं ना उनमें भी एक खास क्वालिटी होती है। ट्यूब में क्या होता है कि वो हीट को ऑब्जर्व करती हैं, अपने आप का टेम्परेचर को इधर से उधर ट्रांसफर करने की क्षमता रखती हैं, है ना। तो इसमें और कोई खास वो नहीं होता है, इसमें सिर्फ ट्यूब होते हैं जिसमें मिसेला नीचे से इन करके ऊपर आउट कर दिया जाता है, वेपर भी नीचे से इन करके ऊपर आउट कर दी जाती है। इसमें सेल साइड में वेपर रहता है और ट्यूब साइड में मिसेला भरा रहता है जो रेगुलर चलता रहता है, टेम्परेचर इधर मिसेला को प्रीहीट मिलता है और उधर जो वेपर आती है उसको हम काफ़ी कुछ ठंडा कर लेते हैं। अच्छा, जब ठंडा करेंगे तो वो तो हेक्जिन में परिवर्तित हो जाएगी, है ना। तो उस हेक्जिन के लिए भी हमारे इसी इक्विनोवाइजर में एक लाइन लगी रहती है, ऐसे ऐसे करके ऐसे नीचे की तरफ ये जाती है हमारी कहाँ पर, सेपरेटर में, ठीक है। तो हेक्जिन को रिलीज करने के लिए सेपरेटर में, फिर अगर ये बाई चांस चौकअप हो जाए, लॉक हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए, ये भरा रह जाए तो क्या होगा, आपका ड्यूटी प्रेशर आ जाएगा, ड्यूटी आपका हेक्जिन जाने लगेगा भयंकर। तो ये सब प्रॉब्लम्स की बात है, इसके इस पर हम कोई दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाएं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूला करो दोस्तों। लाइक जब आपको मतलब अगर आप वीडियो देखते हैं रेगुलर आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर बनता है बस, क्योंकि लाइक ही हमें बताता है कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, है ना। आपके जो प्रश्न थे ना उन सब के प्रश्नों पे मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन आप सबका इतना तो सहयोग बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद जय भारत।